अब जिस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास जनरल टर्म या एंथ टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता था, इसी तरह से हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी एंथ टर्म या जनरल टर्म निकालने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल्स टू ए आर रेज टू द पावर एन माइनस वन। अच्छा, अब ए क्या है यहाँ पे? ए यहाँ पे वही है जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था, एंड दैट इज़ द फर्स्ट टर्म। एंड आर जो है यहाँ पे, जैसे कि अभी हमने देखा, आर इज़ द कॉमन रेशियो, एंड एन हियर इज़ एन इज़ द रिक्वायर्ड टर्म, जिसको अगर हमें जनरल टर्म या एंथ टर्म चाहिए तो हम एनी रहने देंगे, या अगर हमें कोई सर्टेन टर्म रिक्वायर्ड है तो हम एन की जगह वो टर्म नंबर प्लग इन कर देंगे। अच्छा, अब इसको भी एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास है, बल्कि यही वाला एग्जांपल करते हैं, ये जो अभी हमने किया था 72, 18 and 4.5। सो लेट्स राइट द टर्म्स डाउन, 72, 18, 4.5। अच्छा, अब कॉमन रेशियो इधर हमने क्या निकाला था? इधर हमने कॉमन रेशियो निकाला था 1.4। और ए क्या है यहाँ पे? ए यहाँ पे हमारे पास है 72। तो अगर हमें जनरल टर्म चाहिए तो हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो ये हो जाएगा आपका 72 इंटू 1/4 रेज टू द पावर एन माइनस वन। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है एंथ टर्म का और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इसमें आप लोग एक वीडियो मैंने बनाई है, ये वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जानना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला जो हम देख रहे हैं ये आखिर आता कहाँ से है, वो आप लोग यकीनन वो आप लोग ज़रूर जाके देखें। अच्छा है, आपका भी इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपको पता भी चलेगा कि ये जो फॉर्मूलाज हम लिख रहे हैं ये आखिर आते कहाँ से हैं। तो बहरहाल, ये हमने इस प्रोग्रेशन की जनरल टर्म निकाल ली। अच्छा, जब भी आप जनरल टर्म निकालें ना, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप उसको टेस्ट ज़रूर किया करें। अब आप एक काम ही करें, आप एन की जगह रख के देखें 2, और उसूलन जब आप n की जगह 2 रखेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए। शर्त यह है कि आपका अगर ये जनरल टर्म सही है तो t2, लेट्स सी, 72 एज इट इज, 1/4 रेज टू द पावर 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 जैसे हम जानते हैं कि होता है 1, सो 1/4 टू द पावर 1 1/4 ही रह जाएगा। तो 72 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 किसके बराबर होता है? 18 के बराबर ही होता है। दैट मीन्स हमने बिल्कुल सही किया ये। तो अब इससे भी रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने अटैच किए हैं, आप लोग पहले वो कर लें, फिर हम जो आगे वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह करेंगे।